आसन में बातें होगी कि हमें तू लेके आया है, हमने वोट ले लिया लेकिन हमें तू लेके आया है। मैं तिहाड़ी कमजोर के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नौजवान थे, इमरान खान ने कोशिश की है नौजवानों को, उनको बताया है कि अभी तक जिस तरह बाबा साहब ने कहा कि अभी तक पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, इंडिया के हालात अच्छे जा रहे हैं, ये तो आप लोगों की कमी थी। क्योंकि इससे पहले न तो इमरान खान आया है, न उनकी टीम आई है, न इससे पहले अगर हुकूमतें हुई है तो आप लोगों ने की है, ना हमने की है, ना हमारे उम्मीदवारों ने, जो अभी हमारे जो तहत नुमाइंदे हैं इस जवान में, न उन्होंने हुकूमत की है। ये तो आप लोगों ने जो वक्त गुजारा है इससे पहले, उसमें आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमने अपने अवाम को क्या दिया है। 71 साल हो गए, आज 16 अगस्त है और 71 साल में 2 दिन ऊपर हो गए कि हमने अपने अवाम को क्या दिया है, ये तो आप लोग अपने गिरेबान में जाएंगे। फिर दूसरी बात, उन्होंने बात की कि कुर्दों को हराया गया है, तो क्या हाउस में बैठे हुए क्या ये स्कूल नहीं है? अगर वो अपने हलके में गए अपनी कारकर्दगी देखे, देखो बाबक साहब वो भी उन्होंने हल्का जीता है, तीसरी मरतबा जीत रहा है, मेरे साथ ही हल्का का टच है, मैं कारकर्दगी अच्छी है, उनको वोट मिला है, इनको लोगों ने वोट दिया है, पिछली मरतबा भी दिया था, इस मरतबा भी दिया था, अगर हराना था तो आप क्यों नहीं हराए? हर एक बंदे की अपने हल्के में कारकर्दगी है, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी है। पिछली हुकूमत मैं इंतहाई जो पिछली हुकूमत रही है पीपीआई की कोलिशन की, मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है तो हमें वोट मिला है। हम जो आए हैं उनकी फसादत से आए, अगर उन्होंने कुछ रिफॉर्म नहीं किए तो आज हम इधर ही ना होते। और पहली दफा हेमंत गुप्ता हाँ में दूसरी मंदिर हुकूमत आई है, इससे पहले कभी भी नहीं आई। ये इनक्रेडिट और मैं इनको तहसीन पेश करता हूँ उनकी पिछली टीम को जिस तरह उन्होंने हुकूमत चलाई है। मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ इन पिछले गवर्नमेंट की कि उन्होंने हुकूमत चलाई है तो हमें वोट मिला है, उनकी वसादत से मिला है, हमें कोई नहीं लेके आया। दूसरी बात, उन्होंने आगे से कहा कि आर्मी वाले सिर्फ एक पार्टी के छोड़ने के जब अंदर छोड़ देते बाकी को नहीं छोड़ देते। मैं भी पुनेर में रहता हूँ, बाबा साहब आप भी पुनेर में रहते हैं, आप मुझे बताएं कि हमारे पार्टी के कौन से बंदे अंदर गए हैं और आपकी पार्टी के कौन से बंदे अंदर नहीं गए। हम तो सारे थे जितने भी पॉलिटिशियन थे वो सारे अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड को रिजल्ट मिला है आपको 41 वाँ उधर कुर्सी के आपके पॉलिटिशियन ने भी साइन किया है, हमारे पॉलिटिशियन ने भी साइन किया है। लेकिन अगर अब आप इल्जाम लगा रहे हैं हम भी पहले कहते थे गांधी हुई है रिफॉर्म लाने चाहिए, लेकिन अगर आप लोग जो पीछे जज साहब थे तो उनको तो भी नॉमिनेट किया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने रिफॉर्म भेजा। सर मैं एक दो सर एक दो जो आर्मी चीफ थे उनको भी नहीं कहते थे नवाज शरीफ साहब, ना तो वो तो इमरान खान ने कहते इलेक्शन ऑफिसर था वो भी नवाज शरीफ साहब ने कहते। तो अजीब बात है कि टीम आपकी है और दांती आपके साथ नहीं है, इस पे सोचना चाहिए। इन्होंने एक और बात की कि नवाज शरीफ साहब को जो लेके आते हैं तो एक स्क्वाड में लेके आ रहे हैं, तो ये ज्यादती है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपनी पार्टी के हेड रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस इदारे ने कहा है वो पाकिस्तान का एक सुप्रीम इदारा है, वो
حساب بھی اس طرح کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ دو نہیں ایک پاکستان, ایک پاکستان ہے. اس میں غریب اور Thank you very much.